अभी हम उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर, और आप देख रहे हैं प्रतिदिन आज एक सप्ताह से लगातार ये अभ्यर्थी आ रहे हैं, और बिहार का भविष्य है, भारत का ये भविष्य है, अवसर नहीं दिया जाता है, जिसके कारण ये पीछे रह जाते हैं, और वही अवसर को लेकर लगातार आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और कहां कहां ये एप्लीकेशन नहीं दिए हैं, कहां कहां लेटर ले जाकर नहीं दिए हैं, जिस प्रकार से आप देखते हुएगा मन्नतें मांगी जाती है, सभी जगह माथा टेका जाता है, ठीक उसी प्रकार अभ्यर्थी कभी सीएम आवास, कभी उप मुख्यमंत्री के पास, कभी शिक्षा मंत्री के पास, कभी बीपीएससी सचिव के पास, कभी बीपीएससी अध्यक्ष के पास, सभी के पास जाते हैं, और इन्हीं से हम जानेंगे कि इनका क्या डिमांड है। सबसे अधिक इसमें सभी अभ्यर्थी हैं सीटेट जुलाई को लेकर। तो आप सबका स्वागत है एग्जाम टूर पर, क्या आपका डिमांड है? जी, मेरा नाम मोहम्मद राशिद इकबाल हुआ और मैं नवादा से हूँ। हम लोगों का नवादा से आप आए हैं? जी जी। कब से आए हैं यहाँ? मैं नवादा से यहाँ 4-5 दिनों से लगातार धरना दे रहा हूँ इस टॉपिक पर। ठीक है, हमारा सरकार से यही डिमांड है कि जिस तरीके से आपने बीएड अपीयरिंग को मौका दिया है बीपीएससी के एग्जाम में बैठने का, टीचर वाले एग्जाम में बैठने का, उसी तरीके से आप उसी तर्ज पर सीटेट जुलाई 2023 के सभी अभ्यर्थियों को मौका दीजिए, इसलिए कि हमारी कैरियर का सवाल है। आप इस वक्त बिल्कुल नवाला सामने रख के छीन रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। सामने नवाला रख करके छीन, आप बहाली करनी थी 2 महीना पहले कर दिया होता, हम डिमांड नहीं करते, लेकिन इस वक्त जब नवाला को छीन रहा हो तो बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि आप बराए मेहरबानी सीटेट के सभी अभ्यर्थियों जो जुलाई में अपियर होने वाले हैं उनको मौका दिए। लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों के कैरियर का सवाल है, और खुद बीपीएससी के चेयरमैन ने अतुल प्रसाद जी ने कहा था कि सीटेट जुलाई 2023 की अपियरिंग स्टूडेंट और बीएड अपियरिंग को मौका दिया जाएगा, लेकिन अफसोस की बात है जब नोटिफिकेशन देखिए, थोड़ा सा एक मिनट बता दें सभी अभ्यर्थी से, जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं आपसे मेरा नम्र निवेदन है, कम से कम इस वीडियो को इतना शेयर करें कि माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान समय में आप सबके कहते हैं कि सुशासन बाबू हैं, सभी अभ्यर्थी को समान अवसर देंगे, उनके पास पहुंचे, और वर्तमान समय में जो उप मुख्यमंत्री है, और मैं बता दूं युवाओं के चहेता है, सभी युवा उन पर विश्वास करते हैं, उनके पास जरूर पहुंचे, और अतुल प्रसाद जी सभी ट्वीट का आप लोगों का जवाब देते हैं, इस वीडियो का जरूर जवाब देंगे। ये लोग केवल इसलिए लड़ रहे हैं कि समान अवसर की समानता मिले। आप किनके किन से मिले हैं अभी तक, कितने मंत्री से मिले हैं अभी तक? कम से कम 7-8 मंत्री से। सर 7-8 मंत्री से मिले। क्या जवाब मिला आप? सर जवाब यही है कि जो करेंगे सर तो सीएम साहब करेंगे, जो करेंगे जो सीएम साहब करेंगे। शिक्षा मंत्री से मिले? शिक्षा मंत्री से बोले तो बोले क्या कि मेरा पावर नहीं है, सीएम का पावर चलेगा। तो फिर अब शिक्षा मंत्री क्यों, वो शिक्षा विभाग क्यों बनाए? आपका डिमांड उनसे क्या था शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री यही डिमांड था कि सर बीएड 21-23 को अपियरिंग करवे ना किए सर, तो सर सीटेट वाले को भी सर अपियरिंग कर दीजिए, इसमें आपका क्या हानि है? इसमें आपका तो किसी तरह कोई हानि नहीं। उनके अलावा और किन किन मंत्रियों से मिले? सर सुमित सिंह से, नीरज कुमार सिंह से मिल चुके हैं, विजय कुमार चौधरी से मिल चुके हैं, और क्या कहता है अशोक कुमार चौधरी से सर मिलने वाले हैं, और क्या कहता है बहुत सारे आलोक कुमार मेहता से मिल चुके हैं, लेसी सिंह से मिल चुके हैं, मदन साहनी से मिल चुके हैं। सही से संतोषजनक जवाब। संतोषजनक सब टाल मटोल कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। तेजस्वी जी से कभी मिले? तेजस्वी जी से भी मिले। क्या बोले तेजस्वी जी? तो ही बोले कि मामला देखा जाएगा। कब तक देखिएगा? हम लोग का विज्ञापन डेट 15 से पहले है, हम लोग को 15 से पहले चाहिए रिजल्ट उसका। 1.5 लाख लड़का सर इससे प्रभावित हो रहा है, आखिर मौका दिए दीजिए तो आपका क्या जाएगा? आप बात किए तेजस्वी जी से? हाँ बात किए सर। समय दिया? मात्र 2 मिनट समय दिए, 2 मिनट समय दिए, और हमको सर विश्वास है कि सर युवा नेता है तो सर युवा को देखेंगे, कहेंगे सर 1.5 लाख लड़का इससे प्रभावित हो रहा है। यदि इस वीडियो को तेजस्वी जी देखेंगे, लेकिन तेजस्वी जी कैसे देखेंगे? आप सभी सीटेट अभ्यर्थी इसको शेयर करेंगे, मैं सभी से नम्र निवेदन करता हूं आप स्टेटस लगाएं, इंस्टा पर शेयर करें, जितना हो सके आप शेयर करें, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, और ये अभ्यर्थी सुबह 7 बजे डेली आकर यहाँ पे बैठते हैं। हाँ बोलिए, क्या बोलिए? देखिए, जितने लोगों से हम लोगों ने मिला, हम लोगों ने पूरी कोशिश किया ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, और जब मिलने के बाद एक खुलासा पता चला कि ये सबसे जो पावर है ये श्री नीतीश कुमार जी के पास है। इसलिए मैं श्री नीतीश कुमार जी से विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, बराए मेहरबानी आपने जिस तरीके से बिहार के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया, इतना ज्यादा काम किया कि बिहार को बहुत ऊंचाइयों में पहुंचा दिया, आप बराए मेहरबानी 1.5 लाख विद्यार्थियों के कैरियर को ध्यान में रखते हुए जुलाई सीटेट अपियरिंग को भी मौका दें। इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे, आपके लिए दुआई करते रहेंगे। एक शब्द में आप क्या डिमांड करिएगा? सर हम कुछ नहीं डिमांड करेंगे, यही डिमांड करेंगे कि जितना भी 2021 और 23 वाले सेशन को अपेयरिंग वाले को फॉर्म भरने का मौका मिला तो हम लोग के भी सीटेट जो जुलाई में जो अपेयरिंग एग्जाम है हम लोग सर फॉर्म में डाल दिए, यहाँ तक 16 जुलाई से एडमिट कार्ड भी आने वाला सर, उसका अगस्त में एग्जाम भी फाइनल हो जाएगा सर, आंसर की तक आ जाता सिर्फ हम लोग। और भी वीसी में खुद बोला गया कि 31-8 तक जितना भी एग्जाम है चाहे वो बीए ही क्यों न कर रहे हैं उनका भी अहर्ता वो भी भर सकते हैं। सिर्फ आप क्या बोलिएगा? सिर्फ मैं इतना बोलना चाहूंगा कि सरकार सिर्फ एक
दरवाजे को क्या की है कि खोल दी है और दूसरे दरवाजे को बंद कर दिया है। तो सिर्फ मेरा यही सरकार से एकदम आग्रह निवेदन है कि सरकार इस बातों को सुने और हमारे समक्ष इसको रखे, और जैसे कि कम से कम हम जितना चाह रहे हैं इस वीडियो को आप भी शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए जितना भी मुद्दा है ये सब सरकार के समक्ष जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो बहुत इसमें शर्म की बात है, क्योंकि सीटेट जितने भी किए हुए हैं ना, मतलब बहुत उन लोगों का कैरियर एकदम डिस्ट्रॉय लेवल पे जा चुका है। क्योंकि गाइस जितना भी मतलब देखिए आप लोग, 15 तारीख हमारी सिर्फ यही है, 15 तारीख एकदम लास्ट फीलिंग। अभ्यर्थियों का कहना है कि जो भी इससे पहले जो सीटेट पेपर 2 पास होंगे उनके लिए इस नियमावली में एक भी सीट नहीं है, यदि उनको भी इसमें शामिल किया जाता है तो उनको मौका मिल जाएगा, यानी 6-8 के लिए कोई सीट नहीं है। यदि जो पेपर 2 में पास होगा उस लड़का को तो कोई अवसर नहीं मिला, उसका क्या कसूर था? क्योंकि आयोग और सरकार ने एक भी सीट नहीं दी। अगर इसमें जुलाई वाला में क्वालिफिकेशन दिया जाता है कि ये पेयरिंग वाले भर सकते हैं तो भी बच्चे भर लेंगे, इससे आप कितना सहमत है? सर देखिए बीपीएससी के विज्ञापन के अनुसार 31/8/2023 तक जो है सर, हम लोग मतलब अगर बीएड वाले हो या सीट विज्ञापन के अनुसार 31/8/2023 से पहले बीएड वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे वो एग्जाम अगर दे देते हैं, उसका रिजल्ट 2 महीना के बाद भी आता है, तो उनका मतलब उसमें फॉर्म भरने के लायक है। लेकिन सीटेड वाले को, इस तरह को अपियरिंग वाले को नहीं लिया गया है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से बीएड वाले अपियरिंग को लिया गया है उसी तरह से सीटेड वाले को भी लिया जाए। थोड़ा सा वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिए, जो भी अभ्यर्थी सुन रहे हैं सभी बच्चे का यही डिमांड है कि जो भी अभ्यर्थी यदि अहर्ता रखते हैं तो इस बार यदि वह सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं या अपेयरिंग में दे रहे हैं उनका भी एग्जाम समाप्त हो जाएगा। एक माननीय अतुल प्रसाद जी के द्वारा ये बोला गया था कि 31 अगस्त तक जिनके पास भी एग्जाम अगर दे देते हैं तो फॉर्म को भरेंगे, लेकिन इन लोगों को अपेयर नहीं किया जा रहा है, जिसके लेकर ये लगातार परेशान है। सीटेट जुलाई का ये मुद्दा है। जो भी वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।